हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएम सेलिब्रिटीज में। बॉलीवुड से और एक चिंताजनक खबर। सदी के महानायक बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जया बच्चन, ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या, इनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अमिताभ ने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर खुद ट्वीट करके बताई है। बिग बी ने लिखा है, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ। अस्पताल वाले अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं। परिवार और स्टाफ के सदस्यों का टेस्ट किया गया है, जिनके रिपोर्ट का इंतजार है। जो भी लोग पिछले 10 दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपना टेस्ट करवा लें। अमिताभ और अभिषेक को नानावटी हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी आइसोलेशन यूनिट के वार्ड नंबर 11 में रखा गया है। हॉस्पिटल में भर्ती करते वक्त अमिताभ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन अभी अभिषेक और अमिताभ की हालत स्थिर बताई जा रही है। नानावटी हॉस्पिटल एक कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। डॉक्टर की टीम दोनों पे लगातार नजर बनाए रखी हुए है। अमिताभ बच्चन ये वो हस्ती है जिनके सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, दुबई, हर देश में इनके बेतहाशा फैंस हैं। इनके फैंस इनकी लगातार जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। ऐसे वक्त अमिताभ जी की ही आवाज़ में गाई हुई ये कविता, गुजर जाएगा गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, ये कविता याद आ रही है। हम सब ये आशा करते हैं कि उनकी ही गाई हुई कविता उनके ऊपर लागू हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम सब की तरफ से हमारे चैत्य स्टार के लिए भगवान को यही प्रार्थना। दोस्तों, अमिताभ जी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।